वाराणसी के मंदिरों का इतिहास अब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जान सकेंगे। बस एक स्कैन पर आपके मातृभाषा में आपका मोबाइल फ़ोन वाराणसी के ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों का इतिहास बताएगी। वाराणसी के पर्यटन विभाग ने इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि बाकायदा इसके लिए काशी के मंदिरों के बाहर बोर्ड और QR कोड स्कैनर भी लगाए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि शहर के 312 प्रमुख मंदिरों को इस प्लान से जोड़ा जाएगा। इन सभी मंदिरों के बाहर QR कोड स्कैनर लगेंगे। इसमें से करीब 90% यानी 285 मंदिरों के बाहर इस कोड को लगाया भी गया है। बाकी बचे मंदिरों का काम भी 10 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट तरीके से लोग काशी के मंदिरों का इतिहास अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपनी मातृभाषा में जान सकेंगे। बताना चाहेंगे कि G20 का जो आयोजन है वो बनारस में 17 से 19 अप्रैल को हो रहा है। इसमें आने वाले डेलीगेट्स के लिए हमने विशेषकर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मंदिर हैं, उस पर साइनेज विथ QR कोड लगाया है ताकि उसको स्कैन करके उसके बारे में डिटेल में लोग जान सकें। इस तरह करीब 350 छोटे बड़े मंदिर, प्रोमिनेंट मंदिर भी उसमें हैं जिनको हमने लिस्ट में लिया है। उस पर ऑलमोस्ट जगह हमने साइनेज लगा भी दिया है। इसके अतिरिक्त जो गाइड इसमें लगेंगे उनको एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है जो पिछले 3 दिवस कार्यक्रम है, आज उसका अंतिम दिन है। इसमें लगने वाले लाइजन ऑफिसर्स जो हैं, जो जिला प्रशासन के क्लास वन अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी एज ए लाइजन ऑफिसर के रूप में लगी है, उनको भी बनारस के मॉन्यूमेंट्स के बारे में, बनारस के इतिहास के बारे में एक जानकारी दी जा रही है, एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण हमारे पर्यटन प्रबंधन संस्थान के माध्यम से BHU के प्रोफेसर की हेल्प से दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आने वाले डेलीगेट्स को इसका लाभ मिलेगा। जो QR लगाए जा रहे हैं उसमें क्या बताने के प्रयास किया जा रहा है, मंदिर का इतिहास बताया जाएगा? QR कोड बेसिकली किसी साइनेज पे QR कोड इसलिए है कि उसको स्कैन करेंगे तो मंदिर का इतिहास एक संक्षिप्त में उसका मिलेगा, मंदिर कब बना, किस कारण मशहूर है, उसका इतिहास जान सकेंगे और इस पर्पज़ से ही ये साइनेज लगाए जा रहे हैं।